हेलो मेरे फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का फिर हमारे चैनल में। और आज हम आए हुए हैं, इसको अगर आप दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर भी कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं कि इसको दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर भी कहते हैं, और जो कि बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में बीहट के पास पड़ता है। और यहाँ हम आए थे तो काफ़ी भीड़ चल रहा है क्योंकि नवरात्रा का समय है अभी। तो चलिए हम आपको पूरा यहाँ का व्यू दिखाते हैं और बताते हैं यहाँ के बारे में कैसा है यहाँ का दृश्य, और मिलवाते हैं यहाँ के भक्तों से और यहाँ की मान्यताओं के बारे में बताते हैं आपको। तो कुछ ऐसा यहाँ का नज़ारा है, और ये तो सच है कि अगर इसको यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये सच में वाकई में गगनचुंबी इमारतों से बना हुआ दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, जो कि बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट के बीहट में स्थित है। ये सिद्धपीठ बड़ी दुर्गा स्थान के नाम से जाना जाता है। अगर आप बेगूसराय बीहट के पास आते हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो चलिए अब हम अंदर चलते हैं और अंदर का भी आपको कुछ दृश्य दिखाते हैं कि अंदर से ये कैसा बना हुआ है और क्या क्या है इस मंदिर के अंदर। पर हम अंदर जाने से पहले आपको यहाँ के बाहर का भी नज़ारा दिखा देते हैं। तो ये कुछ बाहर का नज़ारा है। यहाँ पे यहाँ का रंगमंच यानी जो भी कार्यक्रम वगैरह होता है उससे पहले यहाँ पे तैयारियाँ होती हैं। ये सारे गांव वाले लोग हैं जो कि नवरात्रा में माता रानी के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। अगर आप नवरात्रा के दिन आ रहे हैं तो ज़रूर ध्यान रखें, यहाँ बहुत भीड़ होता है। उसके बाद ये जब हम एंट्री करते हैं उससे पहले यहाँ पर नारियल फोड़ने के लिए बना हुआ है, यानी कि मंदिर के अंदर नारियल फोड़ना अलाउ नहीं है, साफ़ सुथरा का काफ़ी ध्यान दिया गया है। उसके बाद हम अंदर आते हैं तो ये माता रानी का दरबार है, जो कि मैं दोपहर में आया था और मुझे आने में काफ़ी लेट हो गया क्योंकि रास्ते में बहुत भीड़ था और नवरात्रि की वजह से भी बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, तो गेट बंद हो चुका था। और पर यहाँ पे पूजा पाठ हमेशा चालू रहता है, यानी यहाँ पे बहुत सारे भक्त लोग बैठ के चालीसा पाठ वगैरह करते रहते हैं। ये ऊपर का इसका व्यू है, आप यहाँ देख सकते हैं मंदिर के अंदर में ही लोग चालीसा और पाठ कर रहे हैं। माता रानी का दरबार तो बंद हो चुका था पर पूजा पाठ के लिए दरबार हमेशा चालू रहता है, यानी आप बाहर से भी दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के अंदर रंगोली बना हुआ था जो कि बहुत ही प्यारा था। मंदिर तो बंद हो चुका था पर माता रानी के दरबार में भक्तों की भीड़ कम नहीं थी, महिलाओं की भी भीड़ उतनी थी जितनी पुरुषों की थी, और गांव वालों की भी भीड़ बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पे लोग दर्शन करने के लिए बहुत दूर दूर से आ रहे थे जहाँ पे मैंने देखा, और बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे लोग मिले, मेरे जान पहचान के भी लोग थे यहाँ पे, और अच्छा लगा। अब हम बात करते हैं यहाँ के लोकेशन के बारे में, आपको अच्छे से डिटेल में बता देते हैं। तो जब हम आते हैं बरौनी और बेगूसराय से जब हम आगे बढ़ते हैं 0 माइल की तरफ, मतलब जो सिमरिया जाने वाला रास्ता है, यानी बेगूसराय और सिमरिया जाने वाले रास्ते के बीच में ही बीहट पड़ता है। और जो ये आप रोड देख रहे हैं ये आपको सिमरिया चला जाएगा, और पीछे वाला जो हम आपको अभी रोड दिखा रहे हैं ये आपको बेगूसराय जाएगा। तो इन दोनों रास्तों के बिल्कुल बीच में ही माता का मंदिर है, और ये आप बाहर से ही देख सकते हैं, बहुत दूर से ही ये मंदिर दिखाई देता है। नियर बाई में अगर हम कुछ अच्छा लोकेशन के बारे में बात करें तो ये है यहाँ पे सीएनजी गैस पेट्रोल पंप। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।